कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गंडई में कृष्ण कुंज का अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया शुभारंभ। वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं वृक्षों के महत्व से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए शासन द्वारा की जा रही कृष्ण कुंज की पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश सहित गंडई नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज का शुभारंभ। जन प्रतिनिधि और वन विभाग नगरीय निकाय राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया गया। गंडई नगर पंचायत में 0.405 हेक्टेयर भूमि में कृष्ण कुंज बनाने के लिए प्रस्तावित है। राजस्व विभाग गंडई द्वारा तहसील कार्यालय के पीछे स्वीकृत किया गया है। वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं वृक्षों के महत्व से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए शासन द्वारा कृष्ण कुंज की पहल की गई है। प्राचीन परंपरागत वृक्ष हमारे अमूल्य विरासत है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करने एवं संवर्धन करने तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए इसका नाम कृष्ण कुंज रखा गया है। कृष्ण कुंज परिकल्पना में उल्लेखित प्रजातियों का रोपण किया जाना है। उन प्रजातियों में ऐसे प्रजातियों का रोपण प्रस्तावित है जो स्थानीय परंपरा, जीवन उपयोगी एवं सांस्कृतिक महत्व से संबंधित है। कृष्ण कुंज को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए राज्य में एक रूपता प्रदर्शित करने हेतु जालीदार गेट एवं कृष्ण कुंज का लोगो तैयार किया गया है। कृष्ण कुंज के लोगो में हमारी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक महत्व एवं परंपरा दर्शित है, जिसे देखने मात्र से ही छत्तीसगढ़ की अस्मिता प्रकट होती है। गंडई कृष्ण कुंज में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें कदम, बरगद, कचनार, महुआ, कदम, नीम, पीपल, कटहल, भेरा, आंवला, मोहगनी जैसे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए हैं। वहीं नगर पंचायत गंडई के द्वारा लाइट ओपन जिम और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निधि कुर्सी प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में वन विभाग के DFO दिलराज प्रभाकर, SDO ML सिद्धार्थ, रेंजर RK टंडन, तहसीलदार TR वर्मा, CMO प्रमोद शुक्ला, मंडी अध्यक्ष संजू चंदेल, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल, नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन देवांगन, उपाध्यक्ष जावेद खान, लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, मन्नू चंदेल, रंजीत चंदेल, क्रांति ताम्रकार, भूषण मणि झा, नारायण चतुर्वेदी, दामोदर जसवाल, अशरफ सिद्दीकी, अमित टंडन, निपू रजक, भूपेंद्र पटेल, नीलम नामदेव, सुनील ठाकुर आदि उपस्थित थे। बहुत बहुत बधाई। आज इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज वाटिका हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इस वाटिका में मुख्य रूप से जो कृष्ण को प्रिय प्रजातियाँ थी, जैसे की कदम, बट, पीपल, नीम, इस तरह के पौधों का रोपण विभिन्न जगहों पे हुआ है। खैरागढ़ वन मंडल में 4 जगहों पे हमने आज कृष्ण कुंज का शुभारंभ करवाया है। इसके पीछे मंशा ये है कि हमारे नगरीय क्षेत्र में जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सारी जो प्रजातियाँ हैं, ये जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन होती है उसको बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध कराती हैं प्रकृति के लिए, इसलिए इनका यहाँ पे पौधारोपण किया जा रहा है। साथ में इसमें जो है आगे जाके भविष्य में बच्चों के खेलने कूदने के लिए लॉन रहेगा, खेलने कूदने की सामग्री रहेगी, और बुजुर्गों के लिए, ऐसे सभी के लोगों के लिए जो प्रकृति प्रेमी हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, उनके घूमने फिरने के लिए अच्छा रमणीक जो है स्थल बनेगा, ऐसा जो है प्रशासन का जो है इसके पीछे प्रयास है। सर, इसमें देख रेख के लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा सर आपके विभाग के द्वारा? जी, अभी क्योंकि हमको नगरीय निकाय की तरफ से ये भूमि उपलब्ध कराई गई है, तो प्रारंभिक तौर पे इसमें पौधारोपण का और फेंसिंग का कार्य वन विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि नगरीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो नगरीय बॉडी के द्वारा इसकी देख रेख की व्यवस्था करवाई जाएगी। जी सर, आपका नाम? और दिलराज प्रभाकर, भारतीय वन सेवा, वन मंडल अधिकारी, खैरागढ़। गंडई से रवि रजक, CGVision TV।